बिग ब्रेकिंग न्यूज़, यूपी के बेसिक शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों व कर्मियों की समस्याएं सुलझेंगी। उच्च स्तरीय समिति सीएम योगी के निर्देशों पर कमेटी गठित, शिक्षा मित्रों को समायोजन एवं अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय का इंतजार। यहां लीजिए सबसे पहले सटीक सूचना अनुदेशक न्यूज़। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, क्या है पूरा समाचार, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं आज की न्यूज़। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है शिक्षा मित्र निदेशक संविदा कर्मियों से लेकर। योगी आदित्यनाथ जी ने एक विशेष कमेटी गठित की है शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर। पूरा समाचार मैं आपको बताऊंगा। आज का अमर उजाला 25 अक्टूबर 2021 का पेज नंबर 13 देश प्रदेश कॉलम से है। कमेटी करेगी बेसिक शिक्षकों और कर्मियों की समस्याओं का समाधान। लखनऊ से समाचार है साथियों। ये बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में गठित कमेटी शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार करेगी। कमेटी में ACS वित्त ACS कार्मिक को सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। साथियों, ये बड़ी अपडेट आ रही है और जल्द से जल्द समाधान होने जा रहा है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस समय सरकार अपने फैसले जल्द से जल्द ले रही है क्योंकि चुनाव आचार संहिता जल्द लगने वाली है और उससे पहले अपने सारे काम सरकार निपटा लेना चाहती है। साथियों, और भी समाचार हम आपको दिखाना चाहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ में। तब उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। आगे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे 22,000 से ज़्यादा परिवारों को 50,000 रुपये देगी यूपी सरकार, आदेश जारी। साथियों, यहाँ पर केंद्र सरकार के एक निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना से मरे लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इस बारे में शनिवार को पंचायती राज व ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार प्रदेश में यूपी कोविड-19 ट्रैक्स डॉट इन पोर्टल पर कोविड-19 की शुरुआत से इस साल 18 अक्टूबर तक कोरोना संक्रमण से मरे लोगों की संख्या 22,898 है। इस ब्यूरो के अनुसार जिलेवार अहेतुक सहायता आवंटित की जा रही हैं। साथियों, ये समाचार हमारी यूपी सरकार से, और जो लोग कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए उनके लिए ये सुविधाएं मिलेंगी। आगे है, इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मियों की कोविड-19 से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 30,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कोविड-19 की रोकथाम में लगे कर्मियों की इस बीमारी से मृत्यु की दशा में प्रति व्यक्ति 50,00,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। इन दोनों श्रेणियों के परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, जब सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को भेजे गए इस आदेश में निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जाए। कैसे मिलेगी अनुग्रह राशि? कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि से 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु हुई है अंकित होना चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा अहेतुक सहायता प्राप्त किए गए जाने की निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को सभी संलग्नों के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथियों, यहाँ पर ये पूरा बताया गया है, जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के संबंधित
अहेतुक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन प्राप्ति सेल का गठन करते हुए आवश्यक स्टाफ तैनात करते हुए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। इस सेल में तैनात अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक, तारीख व समय अंकित किया जाएगा और आवेदन को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर दी जाएगी। इस सेल में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप पर की जाएगी। इस रजिस्टर पर अंकित क्रमांक को प्राप्त रसीद पर अंकित करते हुए आवेदन को दिया जाएगा। कोरोना से मृत्यु का सत्यापन कमेटी करेगी, कोई टिप्पणी नहीं। साथियों, यहाँ पर ये पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है। अब एक और न्यूज़ जो कि आज की खबर है अमर उजाला से, मैं आपको बताना चाहूँ, जहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। उन ज़िलों का यहाँ पर डाटा दिया गया, लखनऊ में 2651, कानपुर नगर में 1905, प्रयागराज में 1087, वाराणसी 971, मेरठ में 898, गोरखपुर में 848, झांसी 663, गौतम बुद्ध नगर 467, गाज़ियाबाद 461, आगरा 557, शाहजहांपुर 444, सहारनपुर 420, मथुरा में 402 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ पर साथियों, कोविड से जान गंवाने वालों के परिजन सहायता आवेदन को लेकर अभी उलझन में हैं। शासन ने 22,898 मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए जारी किए 114.49 करोड़ रुपए। साथियों, कोरोना से जिनकी मौत घर पर हुई उनके परिजन कैसे करेंगे आवेदन, पूरे विस्तार से बताया गया है। समाचार है, 23 मृतक कर्मियों के आश्रित बच्चे हैं उनके लिए 11.50 करोड़ जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर 100% टीकाकरण कराने वाले ग्राम प्रधान होंगे सम्मानित, ये भी एक समाचार आ रहा है साथियों उत्तर प्रदेश से। और आगे की सूचना और कुछ खास समाचार हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, उनमें बने रहिए हमारे साथ। एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है शासन यानी कि शिक्षा मित्र और अन्वेषकों से, ये देखिए, सरकार बनने के 24 घंटे में सभी शिक्षा मित्र होंगे सरकारी, प्रेमपाल। और एक और खबर है यहाँ पर, डेंगू से शिक्षा मित्र की मौत, ये शाहजहाँपुर से समाचार है। जलालाबाद क्षेत्र के गाँव कलेक्टरगंज में महिला शिक्षा मित्र की डेंगू से मौत हो गई। घर वालों के अनुसार जांच में डेंगू बुखार की पुष्टि होने के बाद उन्हें बरेली में भर्ती करवाया गया था। कलेक्टरगंज निवासी अवधेश सिंह कुशवाहा की पत्नी करीब 40 वर्षीय मनु देवी क्षेत्र के गांव उबरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत थी। वर्ष 2017 में उनका समायोजन रद्द हो गया था। बेटे अभिषेक सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह से उन्हें बुखार आ रहा था, फायदा न होने पर उन्हें फर्रुखाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जांच में उन्हें डेंगू बुखार की पुष्टि होने पर उन्हें बरेली स्थित एक अस्पताल से ले जाया गया, जहां शनिवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर एक समाचार है, समाजवादी शिक्षक सभा की बैठक में लिया गया अन्वेषकों के हित में फैसला, शिक्षा मित्रों के हित में फैसला। साथियों, शिक्षा मित्र होंगे सरकारी, प्रेमपाल, ये बदायूं समाचार है अमर प्रभात ब्यूरो से। समाजवादी शिक्षक सभा की इस मासिक बैठक बुधवार को शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष चंद्रकेश यादव की अध्यक्षता में सभा कार्यालय गांधीनगर पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष प्रेमपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, भाजपा नेताओं सपा सरकार की अभी शिक्षक के हित की योजनाओं को बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वित्तहीन संविदा पर कार्य कर रहे सभी शिक्षक भाजपा की जन विरोधी नीतियों से अत्यंत दुखी हैं। 2022 में समाजवादी की पार्टी अगर बनती है तो समस्त संविदा कर्मियों की समस्याओं को 24 घंटे के अंदर निस्तारण किया जाएगा, ये बयान दिया है प्रेमपाल सिंह यादव जी ने, जो कि जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बदायूं से है। मैं उनका
धन्यवाद देता हूँ सर कि उन्होंने इतनी बात रखी। साथियों यहाँ पर एक मोटिवेशनल बात कहना चाहूँगा इन सभी समाचारों के साथ के, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए, चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं। साथियों कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाती रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल से।